All right, welcome back to my channel. Hope you guys are absolutely fine. So, आज का जो वीडियो होगा वो होगा हमारे चेहरे के ऊपर, क्योंकि हम बहुत हर चीज का ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी वॉडी सबका, लेकिन एक चीज जो भूल जाते हैं वो है हमारा चेहरा। ये एक ऐसी चीज है जो सामने वाला सबसे पहले नोटिस करता है, तो मेक श्योर कि आप अपना चेहरा हमेशा ग्लोइंग रखें, बहुत ही साफ रखें, बहुत ही क्लीन रखें। आज का वीडियो जो होने वाला है उसमें मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जिसका अगर आप ख्याल रखो तो आप एक बहुत ही ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। और अगर आपको फर्क दिखाई देता है तो नीचे कमेंट्स में मुझे प्लीज बताना कि आपको नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे कैसे चीजों में आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी है प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो पहला पॉइंट ये है कि आपको आपको बहुत सारा पानी पीना है जब भी आप उठते हो, क्योंकि जो भी 8-10 घंटे की आप नींद लेते हो तो उसमें अपनी बॉडी जो है वो बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो जाती है, क्योंकि सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता 8-10 घंटे। तो जैसे ही आप उठे तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा ज़्यादा जितना हो सके उतना पानी पिए, कम से कम एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 0.5 लीटर पानी तो ज़रूर पिए। और क्योंकि वो ये करता है कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स आपके खून में वो निकालता है और उसमें नए ब्लड और मसल सेल्स को क्रिएट करता है, इम्प्रूव करता है उनकी क्रिएटिविटी को। दैट्स इट, ये कम्स आवर सेकेंड पॉइंट। और भाई तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है फेस वॉश, क्योंकि आपको मेक श्योर करना कि आप पूरे दिन में कम से कम मैक्सिमम 3 बार फेस वॉश अपना ज़रूर करें, क्योंकि आपके जब आप जब सो के उठते हो तभी आपके चेहरे पे अनवांटेड जो है वो एक्ने, वाइट हेड, ब्लैक हेड अगर आपको नहीं चाहिए तो एक अच्छा सा फेस वॉश देखें जो आपकी चेहरे पे सूट करता हो, और वो फेस वॉश कम से कम दिन में 3 बार आपको फेस वॉश करना है। और राइट, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सनबर्न। जी हाँ, आप बाहर जब भी निकलो तो मेक श्योर करो कि आप एक प्रॉपर सनस्क्रीन अप्लाई करो अपने चेहरे पे, क्योंकि बाहर जो धूप है वो डायरेक्टली आपकी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आके आपको सनबर्न हो सकता है, तो जो ऑब्वियसली अच्छा नहीं आपके चेहरे के लिए और जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा। तो यू नो आई एम श्योर कि किसी को भी सनबर्न रखना बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और जो आप सुबह की धूप है वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो कड़ी धूप होती है उसमें आप बाहर ना ही निकलो। अगर आपको ऐसी कोई नौबत आ रही है जहाँ आपको निकलना पड़े तो प्लीज़ एक अच्छा सा सनस्क्रीन देखिए जिसमें SPF 50 हो या जो भी आपकी स्किन को सूट करे वो लीजिए और वो अप्लाई कीजिए, और प्लीज़ निकलने से पहले वो एक बार लगा लीजिए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा चौथा पॉइंट। और भाई हमारा चौथा पॉइंट जो है वो हम सबकी प्रॉब्लम है जो है एक्ने। जी हाँ, सबको शिकायत है पिंपल से, लेकिन पिंपल्स में भी बहुत सारे रोल होते हैं, आपके डाइट पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब भी कोई पिंपल्स आ रहा है तो उसके साथ छेड़खानी मत करो। अगर वो आएगा तो उसको टच करके, फिर यहाँ टच करके, यहाँ पे करते हो आप, यहाँ पे करके, तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है, फिर वो हर जगह फैल जाएगा आपका। उस दो चीज़, पहली चीज़ उसको टच मत करो, दूसरी चीज़ उसको पॉप मत करो। आप उसको दबा के जो भी हमारे में बहुत ईगरनेस होती है कि आ गया तो चले फटाफट इसको पॉप करके उसको एक चले ही जाएगा वो अगर उसको निकाल देंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जाएगा लेकिन आपके पास ये शगुन का दाग छोड़ के जाएगा। जी हाँ, अगर आपको दिख रहा हो, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एक बार किया था गलती से, तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो मत करो, क्योंकि अननेसेसरी आई एम श्योर कि आपको नहीं चाहिए कि आपके चेहरे पे कोई भी दाग वाग रहे, जैसे मेरे चेहरे पे ये पिछले 3 महीने से मंडरा रहा है। जी हाँ, तो ये एक पॉइंट था कि पिंपल्स को जाने दीजिए, एज अ गेस्ट उसको ट्रीट कीजिए, आएगा तुम्हारे साथ 1-1.5 हफ्ता रहेगा, 1.5 हफ्ता रहने के बाद वो अपने आप चला जाएगा। जस्ट एडवाइस, ठीक है। और हमारा जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव है। एक काम करते हैं, हम 5वें पॉइंट पे ही डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, दिस इज द 5th पॉइंट व्हिच इज अ प्रोलिक्स डिटॉक्सिफाइंग सी एलगे मास्क। दिस इज अ मास्क व्हिच आई एम यूजिंग सिंस 1.5 मंथ राइट नाउ, और मेरा जो एक पैकेट था वो खत्म हो चुका है, ये मेरा दूसरा पैकेट है। तो मैंने सोचा जब मुझे मेरी स्किन में इफेक्ट पड़ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी हर चीज़ डिस्कस करूँ, इसके बारे में बताऊँ। बाय द वे, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, सो डू नॉट प्रिटेंड एनीथिंग। ये बहुत ही ये मुझे बहुत ही इफेक्ट हुआ है, तभी मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 999 में आपको मिलेगा ये, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी आप ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है फेस मास्क के, प्योरली फॉर मेन। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इसमें है क्या और उसको यूज कैसे करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा ये करता क्या है, डिटैच, ब्राइटन एंड टाइटन योर स्किन। आपके स्किन को टाइट रखता है और जितनी भी टैनिंग आपकी होती है वो टैनिंग को हटाता है।
और डिटॉक्सिफाइज योर स्किन एंड अनक्लॉग्स पोर्स, एक्सट्रैक्ट्स पॉल्यूटेंट्स एंड नेस्टेज फ्रॉम योर स्किन, असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ एक्ने एंड पिंपल, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन. दिस प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम पैराबेन, 100% वेगन प्रोडक्ट. ऑलराइट, सो ये मैंने आपको बताया कि इसमें है क्या क्या चीज़ें और ये करता है क्या आपकी स्किन को एग्जैक्टली. मैं आपको इसका यूसेज बताऊंगा, इसको कैसे यूज़ करना है. इस जितनी भी ऑयली स्किन है उसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना प्रेफरेबल है, और जिसकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है उनको सिर्फ 1 या 2 बार लगाना है हफ्ते में. वैसे आप मैनेज कर लो आपकी स्किन के हिसाब से. और जैसे आप इसको लगाते हो तो मैं आपको आगे का पूरा प्रोसीजर लगा के दिखा दूँ. वैसे तो ये जो है ये प्रोलिक्स का बॉक्स है, इसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा. ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं आपको फटाफट, ठीक है. ये आपको साथ में मिलता है एक बहुत प्यारा सा ब्रश जिसे आप ये मास्क अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा आपको मिलता है बेसिकली ये बहुत ही अच्छे पैकिंग में आपको मिला है प्रोलिक्स डिटॉक्सिफाइंग सी एल्गी मास्क. ये दिख रहा है आपको, तो आपको बेसिकली इसको निकालना है. तो खोल के बहुत ही प्यार से इसको आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसको सिर्फ ऐसा लेके आपको अपने आँखों के आसपास तो ये आपका लग गया फेस मास्क, और बंद करना ना भूलें, बंद भी कर देना. तो इसको अभी आपको रखना है 10 मिनट, हम मिलेंगे 10 मिनट के बाद. 10 मिनट रखना है, वेटिंग 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 10 मिनट. मेक श्योर यू डू नॉट टॉक, ये सूखने तक मैं बात कर रहा हूँ लेकिन आप लोग मत करना है. और ऑलराइट गाइस, तो अभी आपको लुक दिख रहा होगा, थोड़ा चेंजेस दिखाई दे रहा होगा पहले और अभी में. ये है 10 मिनट के बाद का लुक, मैंने फाइनली फेस वॉश कर लिया है, और ये मैं बहुत टाइम से अपने बाल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहे. तो एक साथ में आपको फ़र्क नहीं दिखेगा अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो, बहुत अभी अभी शुरू कर रहे हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, लेकिन आपके चेहरे पे बहुत अलग दिखा आएगा. आप देख लो एक बार कोशिश करके, आपकी स्किन पे भी सूट होगा, ये ऑयली और सेंसिटिव स्किन दोनों पे होता है. कोशिश कर लेना, आई एम श्योर कि आपको सूट होगा और आपको पसंद आएगा. अगर आपको कोई भी चेंजेस दिखता है आपकी स्किन में तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी कहीं पे यहीं कहीं होगी, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना. और एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्रोलिक्स का डिटॉक्सिफाइंग सी एल्गे मास्क, और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा. उल्टा निकल जा रहा है, सॉरी. तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना. अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. विद दैट सेड, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी वेयर एवर यू आर. दिस इज इमरान सेइंग गुड बाय.